हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जहां हम लोग इकोनॉमिक्स से कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पे बहुत सारे टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर डिस्कशन किया है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है एंड बेसिकली सारे टॉपिक्स रिलेटेड है थ्योरी ऑफ डिमांड से। अब थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करें तो ये एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एंड बहुत जल्दी हम इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज भी अपलोड करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो है डिमांड डिस्टिंक्शन से रिलेटेड। अब ये टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत रेलेवेंट है, जहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि डिमांड कितने तरह का होता है। इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज भी एग्जाम में बनते हैं। तो चलो फिर हम लोग जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट अनअकैडमी कॉम्बैट, जहाँ अनअकैडमी ने सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एक लाइव टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है और ये लाइव टेस्ट होगा ऑन 27 मार्च। इस लाइव टेस्ट से आपको आपके प्रिपरेशन के बारे में आइडिया तो लगेगा ही, बट साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी एंड बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी हैं। इस लाइव टेस्ट में ओवरऑल 40 एमसीक्यूज होंगे एंड 1 आवर का टाइम पीरियड आपको मिलेगा। 27 मार्च 2022 को ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है @12 PM। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, सो दैट हर एक स्टूडेंट जो सीए इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो इसका बेनिफिट ले पाए। इस लाइव टेस्ट को पार्टिसिपेट करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है एंड इस स्कॉलरशिप से आप अपनी आगे की स्टडीज़ रिलेटेड टू सीए बहुत ही ईजिली क्लियर कर पाओगे। इस लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप मोबाइल से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो एज वेल एज लैपटॉप की हेल्प से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट उसके पहले आपको इनरोल कराना होगा। आप जब इनरोलमेंट कराना तो हमारा कोड यूज़ कर लेना जो कि है KAJAL2022, दैट इज़ KAJAL2022। ये हमारा कोड है। इनरोल करने के लिए जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप इनरोल करा सकते हो एंड ये हमारा कोड है KAJAL2022, इसको ज़रूर यूज़ कर लेना इनरोलमेंट के टाइम। अब अगर हम लोग बात करें डिमांड डिस्टिंक्शंस की, तो ओवरऑल 5 टाइप्स या हम कह सकते हैं 5 तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड कंज्यूमर्स गुड्स। साथ ही साथ इसका मीनिंग भी देख लेते हैं कि प्रोड्यूसर्स गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जिसको आप फर्दर यूज़ करते हो फॉर प्रोडक्शन पर्पस। क्लियर? जैसे अगर हम लोग बात करें मशीन की, तो मशीन कभी भी फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं होती है बल्कि वो फर्दर प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ होती है। एंड कंज्यूमर्स गुड्स, कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो नो डाउट हम किसकी बात करें, उन गुड्स की जिनका हम फाइनल कंजम्पशन कर सकते हैं, दैट इज़ जो रेडी टू यूज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मार्केट से मिल्क परचेज किया तो मिल्क क्या है, कंज्यूमर गुड्स हैं, क्योंकि आप उसको तुरंत कंज्यूम भी कर सकते हो। सेकेंड है हमारा ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसका कंजम्पशन आप एक बार से ज़्यादा कर सकते हो। जैसे इफ इन केस मान लो आपने मार्केट से फर्नीचर खरीदा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको एक बार यूज़ करोगे और उसके बाद वो यूज़लेस हो जाएगा, आप उसको बहुत बार यूज़ कर सकते हो। बट नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो ये वो गुड्स होते हैं जिनको आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो, लाइक ब्रेड। आपने मार्केट से ब्रेड परचेज किया, उसका कंजम्पशन किया, आफ्टर दैट क्या आप उसको दोबारा कंज्यूम कर सकते हो? नहीं। तो ब्रेड हमारा हो गया नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट है डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। तो बेसिकली डिराइव डिमांड मतलब वो हम उन प्रोडक्ट की डिमांड की बात कर रहे हैं जो किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से अराइज होती हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है बिल्डिंग। अब अगर मान लो आपने बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, तो नो डाउट आपको सीमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ब्रिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ जो सीमेंट और ब्रिक्स की डिमांड अराइज हुई किसकी वजह से हुई, ड्यू टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इन दोनों की डिमांड जो मार्केट में बनी, सीमेंट की, ब्रिक्स की, इसको हम कहते हैं डराइव डिमांड, दैट इज़ वो डिमांड जो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या हो, डिपेंडेंट हो। बट अगर ऑटोनॉमस डिमांड की बात करें ना, तो ये इंडिपेंडेंट डिमांड को शो कर रही है कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में अराइज होती है उसकी वजह से,
दैट इज़ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से ही उसकी डिमांड अराइज हो रही है, ना कि दूसरे किसी प्रोडक्ट की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोनोमस डिमांड, या हम कह सकते हैं जिसकी डिमांड इंडिपेंडेंट हो. क्लियर? नेक्स्ट इज इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड. अब देखो, एक इंडस्ट्री होती है जिसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो जब हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री डिमांड की बात कर रहे हैं, जब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करते हैं तो हम बात करेंगे कंपनी डिमांड की. क्लियर? लास्ट वन इज शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड. शॉर्ट रन डिमांड मतलब सिंपली जब प्राइस चेंज हो रहा हो या इनकम चेंज हो रही हो और उसकी वजह से तुरंत हमारे डिमांड में चेंजेस देखने को मिले, तो उसको कहते हैं शॉर्ट रन डिमांड, कि बहुत कम टाइम पीरियड में भी हमारे डिमांड चेंज हो रही है. बट लॉन्ग रन डिमांड मतलब जहाँ आपकी प्राइस चेंज हो रही है, इनकम चेंज हो रही है, बट उससे हमारे डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि डिमांड लॉन्ग रन में एडजस्ट होने के लिए रेडी है. तो होपफुली ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, 5 डिस्टिंक्शंस क्लियर होंगे. अब सब पे हम लोग एक डिटेल स्टडी कर लेते हैं. देखो, सबसे पहले हमारे पास है प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स में हमने बताया था द गुड्स विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. वो गुड्स जिनको हम दूसरे गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गुड. जैसे मशीन्स, हमने पहले बताया कि अगर हम मशीन की बात करें तो इसका कोई फाइनल कंजम्पशन नहीं होता है, इससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं. बट अगर हम बात करें कंज्यूमर गुड्स की, द गुड्स विच आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स. मतलब जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो, जो रेडी टू यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स गुड. फॉर एग्जाम्पल, रेडीमेड क्लोथ्स, टूथपेस्ट, सोप, हाउस एक्सेट्रा. ये सारे आइटम देखे जाए, जैसे क्लोथ्स हैं, टूथपेस्ट है, ये सब रेडी टू कंज्यूम होते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं, कि आप उसका फाइनल कंजम्पशन कर सकते हो. क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस यही है कि प्रोड्यूसर्स गुड्स जिसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, एंड कंज्यूमर गुड्स जिसको फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. तो देखो, सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स मेंशन किया है कि ड्यूरेबल गुड्स आर दोज विच कैन बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस एंड यील्ड यूटिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जिससे आपको बहुत लंबे टाइम तक के लिए सेटिस्फैक्शन मिलता है. यील्ड यूटिलिटी मतलब क्या है? कि आपको उससे सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, आप उससे सेटिस्फैक्शन भी अर्न कर सकते हो, एंड इसका कंजम्पशन एक बार से ज़्यादा के लिए पॉसिबल है. जैसे एग्जाम्पल देखो, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कार्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारे जितने भी हमने गुड्स बताए हैं, ये सारे गुड्स सबको पता है एक बार से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, और जितनी बार आप कंज्यूम करोगे उतनी बार आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा. बट नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करें, आर दोज विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस. एक बार आपने कंजम्पशन कर लिया तो वो ख़त्म, उसके बाद आप फर्दर उसको कंज्यूम नहीं कर सकते. दिस विल मीट ओनली द करेंट डिमांड. जैसे एग्जाम्पल देखो, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, मिल्क, ब्रेड. अब ब्रेड अगर आप मार्केट से परचेज करके लाओगे, एक बार कंजम्पशन कर लिया, तो क्या दोबारा उसका कंजम्पशन कर सकते हैं? नहीं, दोबारा हम उसका कंजम्पशन नहीं कर सकते. एक बार कंजम्पशन कर लिया, वो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट टाइम कंजम्पशन के लिए आपको मार्केट से उसको परचेज करना होगा. नेक्स्ट है डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड. तो इतना याद रखना, डिराइव डिमांड मतलब डिपेंडेंट डिमांड होता है, और ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट. लिखा है, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी सेट टू बी डिराइव व्हेन इट्स डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ सम अदर कमोडिटी. मतलब जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, मतलब फर्स्ट कमोडिटी की जो डिमांड है, वो किस पे डिपेंड है? किसी दूसरी कमोडिटी की डिमांड पे. क्लियर? और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अभी हमने बिल्डिंग वाला दिया था, वही है कि द डिमांड फॉर ब्रिक, सीमेंट, स्टील, सैंड इज डिराइव्ड डिमांड बिकॉज द डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर हाउसेज. तो हाउसेज क्या हो गया यहाँ पे? अदर कमोडिटी. एंड मेन हम किसकी डिमांड की बात कर रहे थे? ब्रिक, सीमेंट, स्टील, सैंड की. इन सब की जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड है? दूसरे कमोडिटी की डिमांड पे. दैट इज़ जितनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स होंगे, उतना ही ज़्यादा ब्रिक, सीमेंट, स्टील, सैंड की मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी. लिखा है, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव डिराइव डिमांड. अब प्रोड्यूसर गुड्स मतलब सिंपली क्या हो गया? जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हमने बताया हुआ है. जैसे लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं टी एंड शुगर की, तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या है? साथ में चलते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी ऑटोमेटिकली क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. वैसे मान लो कार की डिमांड अगर मार्केट में इंक्रीज हुई, तो पेट्रोल की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. तो ये क्या है? डिराइव्ड डिमांड है. कि यहाँ पेट्रोल को क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि कार की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो गई.
When the demand of a commodity is independent of the demand for other commodity, then it is called autonomous demand. ये तो clear है. अगर हम autonomous demand की बात करें तो ये independent होता है, ये किसी दूसरे product की demand पर dependent नहीं होता है. तो derived demand and autonomous demand में सिर्फ इतना सा difference है कि ये dependent demand है और ये independent demand है. Next is industry demand and company demand. सिंपली इसमें हमने बताया कि लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की जो कि है शूज़ से रिलेटेड, तो ओवरऑल जितनी भी कंपनीज हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो शू मेकिंग कंपनीज हैं उनकी टोटल डिमांड की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इंडस्ट्री डिमांड की. एंड किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की उसमें बात कर ले, लेट्स से बाटा और मेट्रो और मोची, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की जब हम बात कर रहे हैं और उसकी डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होगा कंपनी डिमांड. लिखा है द टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज कॉल्ड इंडस्ट्री डिमांड. फॉर एग्जांपल द टोटल डिमांड फॉर शूज इन द कंट्री, द डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी इज कॉल्ड कंपनी डिमांड. फॉर एग्जाम्पल शूज प्रोड्यूस्ड बाय बाटा. तो यहाँ सिंपली यही है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें, ओवरऑल की बात करें, तब हम इंडस्ट्री डिमांड की बात कर रहे हैं. एंड अगर एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो वो कंपनी डिमांड होगा. लास्ट पॉइंट इज शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड. व्हेन द डिमांड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू प्राइस चेंजेस, इनकम चेंजेस एक्सेट्रा इज रिफर्ड एज शॉर्ट रन डिमांड. जैसे ही प्राइस चेंज हो रहा है या इनकम चेंज हो रही है या किसी भी फैक्टर में डिमांड के किसी भी फैक्टर में चेंज हो रहा है और उसके लिए तुरंत डिमांड रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये किस तरह का डिमांड है? शॉर्ट रन डिमांड. जो शॉर्ट रन में चेंज हो रही है डिमांड उसी को हम बोलेंगे शॉर्ट रन डिमांड. बट व्हेन द डिमांड स्टिल एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइसिंग, सेल्स प्रमोशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्सेट्रा, आफ्टर इनफ टाइम इज अलाउड टू लेट द मार्केट एडजस्ट टू द न्यू सिचुएशन इज कॉल्ड द लॉन्ग रन डिमांड. सिंपली यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी भी फैक्टर ऑफ डिमांड में चेंज हो रहा है, स्टिल जो हमारे डिमांड है एग्जिस्ट कर रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग रन डिमांड. क्योंकि ये बेसिकली मार्केट को एडजस्ट करने के लिए भी टाइम ले रहा है. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो न्यू सिचुएशन है जहाँ पे प्राइस चेंज हो रही है या हमारी इनकम चेंज हो रही है, उस न्यू सिचुएशन के लिए हमारे पास इनफ टाइम होता है कि हम मार्केट को एडजस्ट कर सकें या मार्केट में उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एडजस्ट करा सकें. तो लॉन्ग रन डिमांड मतलब सिंपली जब हमारे डिमांड पे कोई अफेक्ट नहीं होता है ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस और अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू डिमांड. ये ओवरऑल 5 डिस्टिंक्शंस थे डिमांड के. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर ना बहुत सारे MCQs एग्जाम में कवर करता है. हम वैसे MCQs भी डिस्कस करेंगे, बट पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी था. अब होपफुली ये पॉइंट्स सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. PDF डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो कहीं पे भी कुछ भी नोटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको आज का सेशन यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करना. अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. एंड थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड बहुत जल्दी हम बहुत सारे MCQs अपलोड करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होंगे. हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.